आज की क्लास में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बिल्कुल न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ, आरएनए इंटरफेरेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि आपने 9th में पढ़ा था या 10th में पढ़ा था या 11th में पढ़ के आए होंगे आप, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपने कर रखा है, तो मैं इतना जरूर बोलूंगी कि हर एक बच्चे को इतना जरूर आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो अभी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मेरी बात, कि डीएनए जब अपनी कॉपी खुद बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज रेप्लिकेशन। एक लाइन बस, ठीक है। देन डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड द फेनोमेना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं हिंदी में बोलूं, अगर आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डन, एक लाइन बस। उसके बाद आरएनए जब प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन, उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये प्रोटीन में आपको जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये एमिनो एसिड्स हैं। एमिनो एसिड का जब हम चेन बनाएंगे तो हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिलता है, और आपको ये भी पता है कि प्रोटीन का ही दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। सवाल ये उठता है कि इस टॉपिक का आरएनए इंटरफेरेंस से आखिर कनेक्शन क्या है? आपसे गलती क्या होने वाली है बोर्ड एग्जाम में कि आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा रहता है एक्सप्लेन आरएनए इंटरफेरेंस, तो अगर इंटरफेरेंस लिखा तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आएगा कि हमारे से आरएनए नहीं पूछा जा रहा है, हमारे से एक प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है। दिक्कत कहाँ आती है जब सीधा क्वेश्चन लिखा होता है एक्सप्लेन आरएनए और एक छोटा सा आई लिखा होता है साथ में। मिस्टेक क्या होना है आपसे, ये स्मॉल आई लिखा हुआ बच्चों को नहीं दिखता, वो क्या करते हैं पूरा आरएनए के ऊपर नोट लिख के आ जाते हैं, तो पूरा आपका क्रॉस हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। पहली बात, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस टॉपिक इज अ क्वेश्चन, हर एक लाइन जो है वो क्वेश्चन बनने जा रहा है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो सवाल ये उठता है, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि मैम पहले हमें ये तो समझाइए कि आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब होता क्या है। सही बात है, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो वही सीखेंगे। अभी जो मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे रही थी इसमें कुछ नया नहीं था, ये आपने बायो मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा था, उसके बाद मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी बताया था, जब बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल स्टार्ट होते हैं वहां भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, फिर अभी चौथी बार यहाँ बताया मैंने, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि डीएनए का काम क्या है, आरएनए को बनाना, इसका मतलब है कि अगर कोई इंफेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में चला जाए, समझेंगे ध्यान से, जैसे सपोज करेंगे कि अगर कोई इंफेक्शन आपको ऐसा होता, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, वायरल इंफेक्शन हो गया, फंगल इंफेक्शन हो गया, तो वो आखिर इंफेक्शन आपकी बॉडी में अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता होगा? उसके पास एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है, वो क्या करता होगा, डीएनए से क्विक आरएनए सिंथेसाइज करता होगा, और यही आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता होगा। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, वो क्या है, कंप्लीट एक्सप्रेशन। आपको इस केस में कंप्लीट एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान देना है। एक्सप्रेशन बोलने का मतलब डीएनए को आरएनए में सिंथेसाइज कराएंगे और आरएनए को प्रोटीन में, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि जो ये आरएनए प्रोटीन बना रहा है, अगर हम इसको यहां से स्टॉप कर दें, तो मतलब उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। मेरा ये बोलने का मतलब है कि आगे ये प्रोटीन जो है ये नहीं बनेगा, ये मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो स्टोरी ओवर, काम खत्म। तो वो माइक्रोब कभी भी अपने आप को हमारी बॉडी में इन करने के बावजूद भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसकी दाल वैसे भी नहीं गलेगी। तो बोलने का मतलब हुआ, इसके सिग्निफिकेंस में आपको लिखना होगा कि हमारी बॉडी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए आज के डेट में भी ये आरएनए इंटरफेरेंस की स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सवाल ये उठता है कि पूरे आरएनए इंटरफेरेंस में आपको क्या करना है, एक लाइन में मोरल ऑफ द स्टोरी और कंक्लूजन ये है। पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ, थोड़ा पहले मैं इसको क्लीन कर दूँ। हाँ, वन लाइन में आपको बताना ये है, आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
हम आरएनए की साइलेंसिंग करा देते हैं ताकि वो प्रोटीन में एक्सप्रेस ना कर पाए खुद को। तो जब ये प्रोटीन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो अब ये करेंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि नेचुरली अगर कोई चीज़ होता है तब तो ठीक है, लेकिन वैसा ही परफॉर्म कराना काफी टफ टास्क हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, आरएनए को प्रोटीन में एक्सप्रेस करने से रोका, किस प्रोसेस में, आरएनए इंटरफेरेंस में। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपके बुक ने एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स को बनाने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस फर्स्ट टाइम यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है एक नोवल स्ट्रेटजी का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो निमेटोड पता है आपको, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, निमेटोड यानी एस्केल्मिंथस यानी राउंड वर्म्स। एक निमेटोड है, उसका नाम है मेलिडेगाइनी इनकग्निशिया। बच्चों को ज्यादा दिक्कत कब आती है, थोड़ा उनको स्पेलिंग में एरर होता है, स्पेलिंग में दिक्कत आती है। एक ही तरीका है, अगर आपको साइंटिफिक नेम्स दिख रहे हैं और अगर आपको उसको याद करना है, लिख के याद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर 1000 टाइम्स भी रिपीट करेंगे तब भी वो भूल जाएंगे एग्जाम में जाके। जहां पे आप चाहते हैं कि स्पेलिंग एरर हमारा ना हो, तो आपको उससे बचने के लिए उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, निमेटोड का नाम है मेलिडेगाइनी इनकग्निशिया, याद आप ही को करना पड़ेगा। बहुत टफ टास्क नहीं है, 5 to 6 टाइम्स लिखेंगे आप, ऑटोमेटिकली 7th टाइम आप बिना देखे लिख लेंगे, फिर वो याद हो जाएगा। ठीक है, एक निमेटोड है, नाम क्या है, मेलिडेगाइनी इनकग्निशिया, याद हो गया। निमेटोड का नाम क्या है, मेलिडेगाइनी इनकग्निशिया। क्या कर रहा है ये, तो ये टोबैको प्लांट्स के लिए विलन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये, टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करने का काम कर रहा है। अब अगर रूट्स को ही आप इन्फेक्ट कर देंगे तो प्लांट का तो खैर हेल्दी होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जब टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करेगा कौन, मेलिडेगाइनी इंटरग्नेशिया, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो पैदावार है, जो यील्डिंग है उसकी, उसमें क्या होगी, कमी होगी, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो जब उसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, रिडक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट को, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अगर कोई भी पैकेट खरीदता है तो उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है, भले ही लोग उसको ध्यान नहीं देते। और सबसे ज्यादा ये टैक्स पे करने वाले भी हैं, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमेशा वो टोबैको का केस जो है वो हम लोग पढ़ते रहते हैं, चाहे आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा हो, चाहे आप यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, हर जगह आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, यहाँ भी हम वापस वही टोबैको प्लांट्स का ही केस देख रहे हैं। ठीक है, तो जब उसमें रिडक्शन होगा, उसकी यील्डिंग में कमी होगी, तो ऑब्वियस है कि लोगों को चिंता होगी कि भाई क्या हो गया, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक ऐसी नोवल स्ट्रैटेजी अप्लाई की गई जिसको हमने नाम दिया आरएनए इंटरफेरेंस का। दिमाग क्या लगाया हमने, हमने बोला अच्छा, डीएनए आरएनए में एक्सप्रेस होगा और आरएनए प्रोटीन में एक्सप्रेस होगा, तो यही प्रोटीन आगे जाके क्या करता है, सारे इन्फेक्शन के जितने सिम्टम्स हैं वो कॉज करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम आरएनए को ही स्टॉप कर दें तो क्या होगा, आरएनए को अगर हम स्टॉप कर देंगे तो प्रोटीन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, तो साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए है। क्या है ये, साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए है, वैसा आरएनए जो अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो क्या सीखा अभी तक आपने, मैंने आपको बोला, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, निमेटोड का नाम है मेलिडेगाइनी इनकग्निशिया, टोबैको प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट कर रहा है, उससे क्या होगा, उससे इसकी यील्डिंग में कमी होगी। तो अब हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करेंगे। इससे क्या करते हैं हम, तो इससे हम लोग साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए करते हैं। तो जो यहाँ मैंने मेंशन करा है आपके लिए, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स में अनिमेटोड दैट इज एस्केल्मिंथस और राउंड वर्म, मेलिडेगाइनी इनकग्निशिया इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉजेज इन्फेक्शन दैट लीड्स टू रिडक्शन इन यील्ड ऑल्सो, अ नोवल स्ट्रैटेजी दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस वॉज यूज फर्स्ट टाइम फॉर साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, पहली बार हमने मैसेंजर आरएनए की
साइलेंसिंग कराने का काम करा हिस्ट्री में पहली बार। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे मूव करती हूं मैं। अब आरएनए इंटरफेरेंस जो है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, सब में सेलुलर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब है इसको समझेंगे ध्यान से। आप भी यूकैरियोट हैं, बहुत सारे, यानी कि मोनेरा को छोड़ के जितने भी फोर किंगडम्स आपके पास रिमेनिंग है, सबके सब यूकैरियोट्स हैं। बोलने का ये मतलब हुआ कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं, वो अपनी बॉडी में आरएनए के आगे प्रोटीन बनने को रोककर सेलुलर डिफेंस के तौर पे उसको यूज करते हैं, खुद को वो बचाने का काम करते हैं। ठीक है, आरएनए जैसे ही बना, फिर क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरा स्ट्रैंड अगर हम बना देंगे, तो फिर ये लीथल हो जाएगा, फिर ये आगे जाके खुद को प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो यूजलेस वैसे भी हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी आप इसको समझते हैं, और एक और चीज है कि ये यूकैरियोट्स में एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब क्या है आरएनए इंटरफेरेंस, बहुत ही साधारण शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ, आपको इजीली समझ आएगा। तो हमने क्या किया इस मेथड में, साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए करा। कैसे किया हमने, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमने डीएस आरएनए लिखा है, इट्स नॉट एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए नहीं है ये। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, जो क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसको हमने बनाया। दैट बाइंड्स टू मैसेंजर आरएनए एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वैसे भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे ट्रांसलेशन बंद होगा उसको समझेंगे ध्यान से। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, मैंने बनाया था शायद, नहीं बनाया था तो हम लोग अभी बना के चेक कर लेते हैं। देखिए मैं आपको ना एक आरएनए का स्टैंड बना के दिखाती हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, दोबारा रीड करेंगे तो आसानी होगी आपको। पहले मैं आपको एक आरएनए का स्टैंड बना के दिखाती हूँ, कैसे साइलेंसिंग होगा, ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं मेरे से। मैंने क्या किया, एक आरएनए का स्टैंड बना दिया, एरो है, जिस साइड एरो होगा उधर थ्री प्राइम या थ्री डैश होगा। ठीक है, पहले इसका लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखना चाहते हैं आप। हाँ, थायमिन को छोड़ के बाकी सारे नाइट्रोजनस बेसिस हम लोग लिखेंगे, ये तो खैर आप जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन चेंज भी कर सकते हैं, एक सीरीज में लिखने पे बच्चों को ऐसा लगता है कि यही करेक्ट सीरीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कैसे भी प्रेजेंट होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से इसकी सीरीज को हमने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने ऐसे फिक्स कर दिया, बस इस बात को ध्यान देना है कि आपको थायमिन नहीं लिखना आरएनए में। ठीक है, ये आरएनए का स्टैंड है, क्या ये आरएनए का स्टैंड है। ऑब्वियस है कि इधर फाइव डैश होगा और जिस साइड एरो होता है इधर थ्री डैश होगा, कई बार बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको इसको समझने के लिए। हमने क्या किया, यहाँ पे ये पोलारिटी रख ली इसकी। ठीक है, अब ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो नेचर में पाया जाता है, होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यही नहीं होने देना, इसको रहने ही नहीं देना सिंगल स्टैंडर्ड। हम बोलेंगे अच्छा, अगर तुम ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड रहोगे तो ऑब्वियस है कि क्या करोगे, प्रोटीन में एक्सप्रेस करोगे खुद को। हमने एक तरीका निकाला, हमने बोला अच्छा रुको, हम क्या करते हैं इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देते हैं। जब दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम लोग बनाएंगे, तो आपको इसकी पेयरिंग करना आता है, आपको पता है कि इसकी पेयरिंग हमें कैसे करनी। ऊपर आपको ए दिख रहा है, तो ए यानी एडेनिन बाइंड करेगा किसके साथ, यूरासिल के साथ। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, डीएनए नहीं है, थायमिन का नाम नहीं बोले। गुआनिन है, इसको बाइंड करेंगे साइटोसिन के साथ, यूरासिल को एडेनिन के साथ, साइटोसिन को गुआनिन के साथ, मतलब सी है तो जी, ए है तो यू, सिंपल। जहां जहां पे जी होगा तो सी होगा, यू होगा तो ए होगा, ए है तो यू होगा, जी है तो सी होगा, यू है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी होगा, ए है तो यू होगा, बस इतनी सी बात है। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर दिया, इसकी पोलारिटी इस तरीके से पेयर बना दिया। अब एक बात सोचेंगे ध्यान से, हमने जब पेयर बनाया तो क्या ये बॉन्ड नहीं बनाएगा आपस में, हवा में थोड़ी रहेगा ये, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करने का काम करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, डन। तो जब इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे जब इसने बॉन्ड बनाने का काम किया,
तो इसके बॉन्ड बनाने से क्या होगा, इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या अब ये जो आपको डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे आरएनए दिख रहा है, तो ये दोनों जब कंबाइन कर चुका है तो क्या ये प्रोटीन बनाएगा? नेवर, कभी नहीं बनाएगा। क्या करेगा ये? AGU कोड का यूज करेगा, UCA कोड का यूज करेगा। अगर फ्री होता तभी तो यूज करने देता ये फ्री नहीं है, ये आपस में क्या है, बाइंड हो रखा है। तो क्या किया हमने, आरएनए की साइलेंसिंग करा दी हमने। क्या करी हमने, आरएनए की साइलेंसिंग करा दी। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, और कैसे पकड़ेंगे कि ये, बच्चे क्वेश्चन पूछते मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये DsRNA। सो सिंपल, क्या आपको थायमिन नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए तो बच्चे कहते मैम इसको DNA भी तो समझ सकते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, क्या मैंने कहीं थायमिन लिखा है इसमें? कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने क्या किया इसमें, सिर्फ आपको क्या मेंशन करा है, सिर्फ यूरासिल 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 मेंशन करा है, जिससे हमें पता चलता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो इस तरीके से हम लोग साइलेंसिंग कराने का काम करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे साइलेंसिंग कराया है। अब देखिए आपको समझ आए, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला आरएनए इंटरफेरेंस, और आरएनएआई भी शॉर्ट में लिखा हो सकता है, टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोट्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई भी शॉर्ट में आपको लिखा हो सकता है, बार बार मैं आपको वार्न कर रही हूँ। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। हाउ? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू मैसेंजर आरएनए एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए, सो कॉल्ड एज साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। तो हमने जैसे ही साइलेंसिंग कराया, साइलेंसिंग कराने के बाद हमें फायदा क्या हो गया कि वो कभी भी अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस करने का काम नहीं करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज है आरएनए इंटरफेरेंस का। इसके पहले वन पेज का स्क्रीनशॉट लिया था आपने, ये सेकंड पेज है, इसका भी ले लेंगे आप। और एज इट इज जैसे है ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। मतलब अगर ये जो आपको ये सेकंड पॉइंट जो दिख रहा है ना इस पेज का, इसमें मैं 6 पॉइंट्स और बना सकती हूँ इसके लिए, समझ गए? बट मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको कॉम्प्रेस करके लिखा है, क्योंकि मैंने सारी चीजें इसमें मेंशन कर दी। मैंने ये भी बोला कि हम साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए बना रहे हैं। साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए कैसे होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए को वहां पे बनाने के लिए एक दूसरे आरएनए को हम वहां पे कंबाइन कराते। कैसे? तो मैसेंजर आरएनए से वो कंबाइन कर जाएगा और ट्रांसलेशन को स्टॉप करने का काम करेगा। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉम्प्रेस कर दिया। वैसे भी आप समझेंगे तो एग्जाम में आप खुद से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे DsRNA बना के दिखाया कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। अब एक अगला क्वेश्चन आता है जो कोई भी बच्चा सोच सकता है। मैं इतने देर से बार बार रिपीट कर रही हूँ DsRNA DsRNA DsRNA, आएगा कहाँ से, हवा में आएगा, किधर से आएगा? कोई तो सोर्स होगा कहीं से, तो हम दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लेके आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दिया कि आखिर नेचर में किसके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए है। द आंसर इज वन एंड ओनली वायरसेस। वायरस ही एकमात्र ऐसा है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या होता है, आरएनए होता है, रेट्रो वायरसेस जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो क्या सोर्स है इसका? तो हम जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है उसके सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, वायरस के इन्फेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास आरएनए जीनोम है, तो आरएनए जीनोम है तो हमने इसको नाम दिया मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जिसको हम ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, जैसे ही आरएनए से आरएनए बनाने का काम करेगा, जो दूसरा ये जो आरएनए आपके पास पहले से अवेलेबल था, देखिए मैं वापस इस पेज पे आती हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताती हूँ कि अगर मैंने ये जो रेड मार्क किया, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये न्यू स्ट्रैंड है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, तब से क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस न्यू स्ट्रैंड। ये न्यू स्ट्रैंड आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये मैं बोल रही हूँ इतनी देर से। तो ये दूसरा स्ट्रैंड जो आरएनए का है तो आरएनए दोनों, ये तो आपके पास था, ये तो डीएनए से आरएनए जो बन के तैयार हुआ उसकी बात है, रेड वाला स्ट्रैंड ये जो है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ये न्यू स्ट्रैंड आप कहाँ से लेके आए हैं। तो उसका आंसर ये है कि इस न्यू स्ट्रैंड को आप वायरसेस से लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए हैं? इस न्यू स्ट्रैंड को वायरसेस से लेके आए। क्यों लाए वायरस से?
तो उसका आंसर ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के बारे में, आपको मैंने वहां पे एक साफ सीधी सी बात बताई थी कि वायरसेस जो हैं उनमें कुछ वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, वैसे वायरस का इस्तेमाल किया जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ नीचे रेट्रोवायरस लिख देती हूँ, कई बार मैंने आपको सिखा रखा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई आपसे कभी भी रेट्रोवायरस के बारे में पूछता है, रेट्रो वायरस, तो साफ सीधी सी बात है, द वायरस विच कंटेन्स आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, वैसा वायरस जिसके पास आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, उसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। तो हमारे पास तो इस स्ट्रैंड को बनाने का, इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये जो रेट्रोवायरस आप यहाँ देख रहे हैं, इसी से तो लेके आएंगे, और कोई सोर्स है नहीं हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेके आते हैं, रेट्रोवायरस से इस वायर मतलब इस आरएनए को हम यहाँ पे लाने का काम कर रहे हैं। अब आपको ये पेज समझ आएगा, अभी तक नहीं अगर आ रहा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी, तो अब आपको ये पेज वापस समझ आएगा। देखिए मैं क्या बोल रही थी, मैंने बोला कि आखिर आप जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहे हैं उसका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स क्या है कि आप वायरस से इंफेक्शन कॉज कराने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वायरस से इंफेक्शन कॉज कराने का काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो ये है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जेनेटिक एलिमेंट तो है ही है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, वहां पे उसी से बाइंड कराने का काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स बोला। और इसको अगर हम एक टर्म देंगे, दैट इज ट्रांसपोजोन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क के लिए, गिव द टर्म फॉर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स विच आर यूज फॉर साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए या विच आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डीएसआरएनए, दोनों एक ही बातें हैं, तो हम लोग वहां पे आंसर लिखेंगे ट्रांसपोजोन्स। क्या कहते हैं हम लोग उसको, ट्रांसपोजोन्स कहते हैं, ठीक है। और यही क्या करेगा, वहां पे आरएनए बनाएगा, जो आरएनए क्या करेगा, जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जिसकी वजह से फिर कभी भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए ये थर्ड पेज हुआ आपके आरएनए इंटरफेरेंस का। देखने में थोड़ा वो साइज बड़ा है जो यहाँ पे फॉन्ट है उसका, लेकिन एक ही पॉइंट है ये, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे एक और अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आरएनए इंटरफेरेंस जो अभी तक आपने कराया, तो जब आरएनए इंटरफेरेंस कराया, तो अब हमें ना एक दिक्कत क्या है यहाँ पे, एक हमें होस्ट चाहिए, ठीक है। तो जो होस्ट प्लांट है जिसमें हमें ये इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं, दैट इज एग्रो बैक्टीरियम। नाम से ही पता चल रहा है इट्स बैक्टीरिया, बैक्टीरियम लिखा ही है, तो ये वायरस या फंजाई तो आप समझने की गलती नहीं करेंगे, है ना। तो बैक्टीरिया जो आपके पास है, एग्रो बैक्टीरियम, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द होस्ट प्लांट, ठीक है। उसके वेक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उस होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। डीएनए देखिए कितनी चालाकी से हमने सेलेक्ट करा है, ऐसा डीएनए हमने सेलेक्ट करा है कि ये दो स्ट्रैंड बनाएगा आरएनए का, मतलब डीएनए का एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या करेगा, आरएनए बना लेगा। एक सेंस और दूसरा एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाएगा, और होस्ट सेल के अंदर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जाके वहां पे बाइंड कर जाएंगे। नहीं समझ आया, इसको देखिए ऐसे समझाती हूँ, इसका क्या मतलब। बच्चे बोलते हैं कि मैम एक ही डीएनए से दो आरएनए बनाने का क्या मतलब है, जैसे ये पेज अवेलेबल है हम लोगों के पास, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया, इसको डीएस आरएनए है, चलिए अच्छी बात है, इसको यहाँ कर दिया। अब ये जो आरएनए बना हुआ है ना आपके पास, ये
इसका देखिए मैं आपको डीएनए बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये हो गया, यहां से डीएस आर एन ए हटाना पड़ेगा, ये इसको हटा दीजिए। हाँ अभी देखिए इसका कोड हम चेंज करेंगे। कोड क्या चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करना है आपको, जहां जहां यू है ना उसको टी करेंगे बस। ये एक डिलीट हो गया था, इसको एज इट इज कर दिया मैंने। कैसे बनाना है, आप कैसे बनाएंगे, देखिए जहां यू है ना वहां टी कीजिए। डीएनए में क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता। फिर ये जो यू है इसको क्या करेंगे, टी करेंगे, ठीक है। अब ए जी यू, तो यहाँ पे ए जी, ए एक डिलीट हो गया यहां से, ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए टैली करके देख लीजिए, ए जी ए की बजाय यू कर देंगे, सी ए कोई दिक्कत नहीं, जी टी की जगह यू है आरएनए में, ए ठीक है, जी ठीक है, टी टी डीएनए के लिए कॉपीराइटेड है, यू आरएनए के लिए कॉपीराइटेड है, सी ठीक है, जी ठीक है और ए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस दूसरे वाले स्टैंड का काम करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं ऊपर पता है आपको, डीएनए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं, और उससे फिर जब ये बनेगा आरएनए तब जाके क्या होगा, हमें समझ आएगा कि अच्छा इस तरीके से क्या करा इसने, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा दो स्टैंड बना दिया आरएनए का जो कि दोनों एक दूसरे के वहां पे बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूसरा स्टैंड यहाँ पे लगा दिया, ये इसको ऊपर कीजिए, ये रहा, यही तो था दूसरा स्टैंड आपका, हाँ कर दिया। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, देखिए क्या चेंज होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां यू, और वो एक और चीज है वो मैच कर जाएगा बिल्कुल। ये देखिए टी कर दिया जहां जहां यू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए पेयरिंग चेक करेंगे, एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट और सही होगा। देखिए बोलने का मतलब हुआ कि ये जो आपका है, ये तो बढ़िया 5 डैश हो गया, इसको सही करना पड़ेगा, जहां भी एरो होगा वहां 3 डैश होगा, ये रहा इसका। यहां 5 डैश होगा, ये रहा, यहां अगर रह गया तो यहां कर दीजिए, आप जानते हैं हालांकि, लेकिन सही रहेगा अगर आप लेवल कर दें तो 5 डैश, ये हो गया। फिर उसके बाद यहां कर देंगे हम लोग, ये रहा आपका 3 डैश, बस डन हो गया, परफेक्ट। अब चलिए चेक कीजिए, चेक हम लोगों को ऐसे करना है, मतलब बहुत ऐसे सटा सटा हुआ हो गया, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, आपको तो पता है ना कि हमने क्या करे, एक लाइन डाल देती हूँ सबसे अच्छा, वो ना ऐसा लग रहा है कि इसका मैंने ये पेयर कर दिया है, सबसे अच्छा एक लाइन डाल देती हूँ बीच में यहाँ पे, ठीक है ये अलग है। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि ये मैंने क्या किया, ये डीएनए बनाया, ऊपर वाला डीएनए है नो डाउट डीएनए। अब चेक कीजिए मैं क्या बोल रही थी, देखिए हमने क्या किया, जब यहां पे एक चेंज हो गई है, जहां यू दिख जाए डीएनए में समझ जाइए कि इसको क्या करना है, टी बनाना है, ये रहा टी, बाकी ठीक है। चलिए अब कॉम्बिनेशन चेक कीजिए, ए पेयर्स विद टी जी सी ए, यहां पे टी होगा, टी देन सी जी ए टी जी सी टी ए टी जी सी टी ए सी जी जी सी ए टी, डन परफेक्ट। अब इसके बाद ना, इसके अगर ये स्टैंड है डीएनए का, समझेंगे मैं क्या बोल रही हूं, अगर हमारे डीएनए के इस स्टैंड ने क्या किया, सोचा कि मुझे क्या करना है, आरएनए बनाना है, तो ये वाला स्टैंड बनाया,
अभी हमने डीएनए के ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनाया, ठीक है, बनाया तो चेक कीजिए, ए है तो यू, जी, सी, ए, यू आएगा यहाँ पे, इसको करेंगे हम लोग, अगर आरएनए बनाएगा तो यहाँ चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी पलट देंगे तो ठीक हो जाएगा, सी जी ए यू जी सी टी ए, ए यू जी सी टी ए, सी जी जी सी ए यू, ठीक है, बस एक हमें यहाँ पे करेक्ट करना है, क्योंकि ऊपर हमने एक चेंज किया था ना, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा डाल दिया था शायद, तो ये जी है और ये ए है, तो यहाँ पे टी होगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर वाला जो है ए हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे स्ट्रैंड को चेक करेंगे, मतलब डीएनए के लोअर स्ट्रैंड से हमने क्या किया, एक और बनाने का काम किया, आरएनए का स्ट्रैंड, तो इससे हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है टी ए, यहाँ भी एक चेंज करना पड़ेगा, एक जगह सिर्फ, तो ये टी ए थोड़ा सा ये स्लाइटली टिल्टेड हो गया, सी जी टी ए मैं कर रही हूँ इसको यहाँ पे, जी सी टी ए, सी जी ए यू टी ए यू, यहाँ पे टी के लिए ए है तो यू है, क्योंकि ये डीएनए है और ये आरएनए है, टी है तो ए सी जी ए यू जी सी सी जी टी ए, बस हमें एक जगह जो हमने ऊपर एक चेंज करा था वो एक कोड चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो है उसी सीरीज में होगा, ठीक है, तो बाकी सब ठीक है, ए टी सी जी, हाँ ये रहा, अब नीचे वाला भी मैच हो जाएगा उसके हिसाब से, आर एन ए है तो टी के लिए ए, और यहाँ पे आर एन ए है तो टी के लिए यू, टी लिख दिया था मैंने यू, अब पूरा अगर चेक करेंगे कंप्लीटली तो इसी तरीके से एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो बोलने का ये मतलब हुआ कि जब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो डीएनए हमने ऐसा सेलेक्ट किया कि जो क्या करेगा, सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाने का काम करता है, ठीक है, तो जब दोनों बनाएगा तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, आपस में वहां पे अटैच हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, दीज टू आरएनए इज बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएस आरएनए कैसे बनाया आपने, पहले बना के देख लिया आपने, दैट इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस, जिसने क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस करने का काम किया, तो रिजल्ट आपका क्या निकला, द कंसिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुडंट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए, तो अब अगर जो वहां पे पैरासाइट है, मतलब जो निमेटोड था जो इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर रहा था, तो जो ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट है उसमें अगर वो चाहेगा कि सर्वाइव करना है, इन्फेक्शन कॉज करना है, तो वैसा वो नहीं कर सकता है, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर इस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे मेरे से, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर लास्ट में मैं यहाँ पे कंक्लूजन की बात करूं तो अगर कोई आपसे पूछता है ये कि हमने आरएनए इंटरफेरेंस में क्या किया, तो हमने आरएनए इंटरफेरेंस में इस आरएनए को स्टॉप करा दिया, इसका हमने डबल स्टैंडर्ड दूसरा एक आरएनए बना दिया, अब उसके लिए हमने स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करी, एक ऐसे डीएनए को इस्तेमाल करा जिसके दोनों स्ट्रैंड से हमने आरएनए बना दिया जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जाके अटैच हो गया, फिर वो कभी भी प्रोटीन में खुद को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आरएनए इंटरफेयर हो जाएगा, आरएनए की एमआरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी, और हमने इस प्रोसेस को नाम दिया आरएनए इंटरफेरेंस, अब क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जब चाहे कोई सा भी साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जियोलॉजी हो, कोई सा भी साइंस हो, जियोलॉजी मतलब अर्थ साइंस, जूलॉजी नहीं बोल रही मैं, जियोलॉजी बोल रही, अर्थ साइंस, ठीक है, तो किसी भी साइंस की पढ़ाई हम इसलिए करते हैं ना ताकि हम उसका एप्लीकेशन, इवन मैथ्स जैसे आप पढ़ते हैं तो कोई ट्रायंगल कितने डिग्री पे सबसे ज्यादा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, सबसे ज्यादा फिक्स होता है, तो उसी की पढ़ाई करके क्या करते हैं, वो एक ब्रिज बनाते हैं ना जो मात्र एक पिलर के ऊपर पूरा का पूरा टिका होता है, तो अगर
जिसका मैथ्स अच्छा होगा, जिसको नॉलेज होगा, वही तो बना सकता है। बिना पढ़े लिखे लोगों को बनाने को बोल दीजिएगा तो क्या होगा, बनेगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे और फिर वो तुरंत का तुरंत ढह जाएगा, यही होगा और क्या होगा। तो हम इतने देर से बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक्चुअली क्या सीखना है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो आपने पढ़ाई करी है उसका इस्तेमाल क्या है, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के डे में अगर हम लोग बात करें, और ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में 2006 से पुराना डेटा लिखा हुआ है, तो 2006 से पुराना डेटा होने की वजह से क्या है, ये काफी पुराने डेटाज आपके पास अवेलेबल है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक न्यू बुक में भी जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये डेटा नहीं चेंज किया गया। हाँ, जहाँ चेंज हुआ है वहां मैं बताऊंगी आपको, चेंज शायद इसलिए भी नहीं किया गया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, ये सब कुछ याद करके रखा हुआ है, तो उन्हें वापस से सारी चीजें फिर से याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको चेंज नहीं किया गया, तो आपके पास ऐसा नहीं सोचना है कि आज के डे का यही है, नहीं, ये चीजें क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं, पहले जैसा नहीं है, इतना ही नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो मेडिकल यूज में जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसके लिए थेरापियोटिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो जो चिकित्सकीय होता है वही इसका मतलब है, थेरापियोटिक्स का, ठीक है। तो आज के डे में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापियोटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर। अगर हम आज के डेट में बात करें, ये 2006 से पुराना डेटा है, तो आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो ये 100+ हो चुका है, क्योंकि कितना साल पुराना हो गया आप सोच लीजिए, ये काफी ओल्ड हो गया, काफी ज्यादा पुराना हो गया, ठीक है। लेकिन आपको याद यही रखना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतनी सी बात है, काफी आसान है, ऐसा भी नहीं कि बहुत हैवी है जो आपको याद ना हो। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें, तो ये तो हमने वर्ल्ड की बात करी, 30 हमने किसकी बात करी है, वर्ल्ड की। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में आपको यहाँ पे कितना है, उसमें से 12 का यूज अकेला कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, समझ गए, ये आप याद रखेंगे। तो ये छोटा छोटा डेटा है, दो है यहाँ पे, 30 वर्ल्ड ओवर है और 12 जो है इंडिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो काफी कॉमन है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह है, काफी ज्यादा क्या किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना आपको हर घर में मिल जाएंगे। जहां देखिएगा आपको दो तरह का डायबिटीज है, एक में शुगर लेवल कम जाता है, एक में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, लेकिन वहां दोनों केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाँ, जो ज्यादा वाला केस है जहां पे इंसुलिन बिल्कुल ही बॉडी में बनना बंद हो जाता है, तो उन पेशेंट्स के पास इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के सिवाय और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर वापस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन द हॉर्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी। और इंसुलिन का क्या काम है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इंसुलिन का हमारी बॉडी में। तो इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। काफी पुराने टाइम की बात है जब हम लोग क्या करते थे, स्लॉटर्ड कैटल और पिग के पैनक्रियाज में से उसके जीन्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते थे, ठीक है। अब कोई चीज आपको बनाना है तो बनाएंगे तो तभी ना, जब आपके पास वो जीन होगा, नहीं होगा तो कहाँ से कॉपी कराएंगे। तो कॉपी कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्लॉटर्ड कैटल और पिग के पैनक्रियाज में से जीन्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किया, ठीक है। अब ये मैं शुरू से, जब मैं बायो मॉलिक्यूल पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ ना, ये मैं तभी से बच्चों को बार 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 रिपीटेडली बताना स्टार्ट करती हूँ कि इंसुलिन जो है इसके पास 51 टोटल अमीनो एसिड्स हैं। फर्स्ट पेज पे जब क्लास वन मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये डायग्राम वहां पे लगा रखा है, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट हुआ था बायोटेक तो बच्चों को सबसे इजीली इससे समझ आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो टू चेन्स अवेलेबल हैं, तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को आप काउंट करेंगे तो इसका नंबर कितना होगा, 51 होगा, ठीक है।
कहीं भी इंसुलिन का कोई भी ऐसा बीड लाइक स्ट्रक्चर हो, बैठ के एक नाल से अगर गिनेंगे काउंट करेंगे तो आपके पास 51 ही अमीनो एसिड का डेटा आएगा इंसुलिन में। तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, द आंसर इज 51। ठीक है, तो जो 51 अमीनो एसिड्स इसके पास प्रेजेंट है तो कैसे है, तो इसके पास दो चेन है, ये देखिए। एक यहाँ पे ब्लू कलर का है ए पेप्टाइड, चेन ए, और जो ग्रीन कलर का है दैट इज चेन बी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि दोनों अपने अपने डायरेक्शन में भाग रहा होगा, इसको वहां पे कंबाइन करा के रखने के लिए भी कुछ चाहिए। तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज से जुड़े हुए हैं बीच में। ठीक है, जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बीच में कनेक्टेड है, तो इसके कनेक्टेड होने के बाद क्या होगा, ये फिर एक्शन में आ जाएगा, इसका इंसुलिन का जो प्रॉपर वर्क है वो करेगा। एक आपके क्वेश्चन दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि फिर यहाँ पे ये प्रो इंसुलिन क्या है। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी में जब इंसुलिन बनता है तो सबसे पहले वो प्रो हार्मोन, मतलब उस वक्त वो एक्टिव नहीं होता है, इसके पास यहाँ पे ये जो प्रो इंसुलिन का एक आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको हम लोग सी पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सी पेप्टाइड, इसको मैं बात कर रही हूँ, ये जो आपके पास है ये क्या है, सी पेप्टाइड है। ठीक है, तो ये सी पेप्टाइड को कंपनी में भी अगर बनाना है तो आपको इन दोनों को यहां से जैसे ही कट करेंगे तो पता चला कि ये दोनों के दोनों जो है अब फंक्शनल इंसुलिन बन के तैयार हो गया। प्रोसेस्ड और मैच्योर इंसुलिन में कभी भी सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब इसको बनाया गया, फर्स्ट अमेरिकन कंपनी जो एली लिली है उसने क्या किया, इंसुलिन को बनाने का काम किया, तो उसने बनाने के लिए यही टेक्निक यूज किया 1983 में, जो एली लिली कंपनी है, जब उसने डीएनए बनाया चेन ए और चेन बी, तो उसको डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ के और फिर उसको क्या किया, फंक्शनल इंसुलिन बनाने का काम किया। ये काफी आसान सा और इजी सा टॉपिक है, बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन ये इजी है। बस इतनी सी बात है कि अगर आपको इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अमीनो एसिड का चेन है ये क्या है, अमीनो एसिड का चेन है, ये भी क्या है, अमीनो एसिड का चेन है। जब अमीनो एसिड का चेन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है तो इस चेन को कैसे जोड़ेंगे आप, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। एमिनो एसिड को ज्वाइन कराने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए आपको, पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, कई बार मैंने आपको रिपीट करके बता रखा है ये। ठीक है, और जब आप इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपने देखा बहुत अच्छे से कि उसमें कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है या अवेलेबल है, टोटल 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। चेन ए के पास 21 होता है और चेन बी के पास 30 होता है। बहुत सारे इमेजेस इसके रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, फिर भी आप, एक तो मैंने आपको शो करा है, एक दूसरा अगर उससे अच्छा है तो मैं आपको दिखाती हूँ, मिलता जुलता ही सारा है। देखिए एक में नंबर है तो मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए चेन ए के पास 21 अमीनो एसिड्स हैं और चेन बी के पास क्या होगा, 30 अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा दिया हुआ, मैं आपको एक दूसरा भी दिखाती हूँ। ये देखिए एक ये है, इसको देखिए टू चेन है आपके पास, चेन ए के पास कितना है, 21 है, और चेन बी जो है उसके पास 30 है। ये एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। देखिए ये लास्ट डेटा इज 21 एंड हियर लास्ट इज 30, 30 प्लस 21 बिकम्स 51।
ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इंसुलिन बनके तैयार हो जाएगा। इंसुलिन प्रोडक्शन क्लियर है बिल्कुल, ये मैं आपको इसके पेजेस शो करती हूँ किसके बाद कौन सा पेज है। ये रहा आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि शुरुआत में स्लॉटर्ड कैटल और पिग के पैनक्रिया से इसके जीन्स को आइसोलेट किया जाता है। ये आपका पेज वन हो गया। देन नेक्स्ट इज, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, इसका जो एक बेस है, मतलब आपने बताया पहले कि यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, जहां पे आपने ये सिखाया कि 51 इसके पास टोटल एमिनो एसिड्स होते हैं, चेन ए और चेन बी। अगर चेन ए के बारे में हम लोग बात करें, एक और चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए, तो अगर हम लोग चेन ए के बारे में बात करें, इसके पास 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, और अगर हम चेन बी के बारे में बात करें तो इसके पास 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। और एमिनो एसिड को ना शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल ए से एमिनो एसिड, 30 है एमिनो एसिड्स। नीचे वाला एक लाइन कट रहा है। हाँ अब लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट, सेकंड पेज हो गया आपका ये। ये थर्ड पेज हो गया आपका, जहां पे मैंने आपको ये बात बताई है कि शुरुआत में ये फंक्शनल नहीं होता है, पहले ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, और जब ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में है तो क्यों है, किसकी वजह से है, तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो ग्रे कलर का सी पेप्टाइड आपको दिख रहा है उसकी वजह से है। तो हमें क्या करना है, उस सी पेप्टाइड को यहाँ से कट करके हटा देना है, ये फ्री सी पेप्टाइड यहाँ पे है आपका, और फिर ये इंसुलिन जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज, नहीं ये नहीं, इसको रहने दीजिए। और ये शुरू में, मतलब बच्चों को मैं कहती हूँ इससे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को, कि 1983 में सबसे पहले एली लिली जो एक अमेरिकन कंपनी है, इसने डीएनए सीक्वेंसेस जो है चेन ए और चेन बी, मतलब ऐसा डीएनए सीक्वेंस तैयार किया कि जो फाइनल जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा लास्ट में जाके, तो कैसे एक्सप्रेस करेगा, जैसा जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का चेन का, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से हम लोग इंसुलिन बनाएंगे और उसको डाई सल्फाइड बॉन्ड से या ब्रिज से जोड़ने का, ऐड करने का काम करेंगे। इंसुलिन प्रोडक्शन क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कराती हूँ, आपको ध्यान से सुनते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, द आंसर इज 51। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ इंसुलिन, होता है ना कि क्वेश्चन नीट में दिया होता है द नेचर ऑफ इंसुलिन इज, आपको चार ऑप्शन वहां पे दिख रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड, मतलब उसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीरो लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो मैंने उस पर्पज से ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करा है। द आंसर इज प्रोटीनेशियस, इंसुलिन का नेचर कैसा होगा, तो ये प्रोटीनेशियस होगा, प्रोटीन का बना होता है ये। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड है तो ऑब्वियस है कि और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। ठीक है, फिर जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाते पढ़ाते, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ाते पढ़ाते बताया था, वही क्वेश्चन है, गिव द टर्म फॉर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन आरएनए इंटरफेरेंस, द आंसर इज ट्रांसपोजोन्स, एंड द सोर्स ऑफ दीज ट्रांसपोजोन्स आर रेट्रोवायरसेस। फोर्थ क्वेश्चन इज मेंशन द सोर्स ऑफ ट्रांसपोजोन, वायरसेस विद आरएनए जीनोम, वायरसेस विद आरएनए जीनोम। अगर आप इसको और एक्यूरेट करना चाहते हैं तो हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहीं पे रेट्रोवायरसेस लिख देंगे, और ये जो आपका है ये तो बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है इसमें, इसको हम विद इन ब्रैकेट कर देंगे, सो ये हो जाएगा कि आप जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोवायरसेस। ठीक है, देन आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन, द आंसर इज डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज।
देन नेम द कंपनी दैट फर्स्ट प्रिपेयर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, एन अमेरिकन कंपनी एली लिली इन 1983। ऐसा होता है कि आजकल ईयर भी पूछा जा रहा है, कुछ सालों से एग्जाम में ईयर भी पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखेंगे इसको, ठीक है? 1983। देन मेंशन द नेम ऑफ निमेटोड पैथोजन ऑफ टोबैको प्लांट। आपने याद कर रखा है, लिखेंगे 5 to 6 times, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हर बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी अलग अलग होती है, आप ये चेक करेंगे कि आपको कितने बार लिखने में याद होता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट नहीं लगेगा, क्विक याद हो जाता है, ये भी बात है, ठीक है? देन लिख के प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से। तो मैंने यहाँ पे 8th question लिखा है, एक्सप्लेन आरएनए इंटरफेरेंस। देन राइट अ नोट ऑन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है? मतलब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 mark के लिए तैयार करना है, और आपको चेन ए चेन बी प्रो इंसुलिन, और एक सेकेंड स्टेप में आप जो फ्री सी पेप्टाइड है उसको वहां से रिमूव करके भी दिखा देंगे, तो ये जो क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 10th question दिया है बच्चों को। ये ऐसा नहीं है कि जितना आपके बुक में लिखा उतना ही लिखना है आपको, आप यहाँ पे थोड़ा सा नेट से सर्च करके भी कुछ यहाँ पे और यूजेस जो आप डाल सकते हैं। जहां पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप कौन कौन सा एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी का जानते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, मतलब अगर आप एक डायरी लेके बैठे हैं और आप सोचे कि हम एक काम करते हैं कि आज हम सिर्फ एप्लीकेशंस लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, तो देखेंगे आपकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में है, एनिमल ब्रीडिंग में है, मेडिकल डायग्नोसिस में है, प्लांट एग्रीकल्चर में है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो खैर हम लोग पढ़ ही रहे थे वहां पे है, फूड टेक्नोलॉजी में हम इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, ड्रग मेडिसिन बना रहे हैं डे बाई डे, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, हर जगह हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मतलब आप थक जाएंगे लिखते लिखते, इतना सारा यूज है इसका, ठीक है? तो आपको लास्ट क्वेश्चन में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस लिखने हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें दिक्कत होगी लिखने में, तो मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस के तौर पे मैं बताती हूँ कि आपको क्या लिखना है इसमें। ये देखिए, मैं यही बोल रही थी, इतने सारे एप्लीकेशन हैं, इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो बस एक ऐसे ही है बेसिक लेवल पे, क्योंकि अगर आप चीजों को सीख रहे हैं तो उसको बिल्कुल रूट से सीखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपके 10th question का आंसर है। हाँ ऐसे नहीं, आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही डिजाइन बना के लिखिए, पॉइंट्स भी बना सकते हैं। पॉइंट 1 एनिमल ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, इंप्रूवमेंट इन फूड टेक्नोलॉजी, देन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, देन इधर से भी ऐसे भी घुमा के कोई भी फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं। इट्स नॉट सीरीज ऑफ इवोल्यूशन कि आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि फर्स्ट हम यही लिखेंगे सेकंड हम यही लिखेंगे, तो आपको जो जैसे आता है वैसे आप लिख सकते हैं। इसके सिवाय और भी कुछ हैं यूजेस जो आप लिख सकते हैं, प्लांट एग्रीकल्चर में, क्रॉप क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट में। तो ये सब हम लोगों के पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। समझ आया ये? आज की क्लास क्लियर है बिल्कुल?